कानून की हिफाजत करने वाली पुलिस के अधिकारी ही अब कानून को हाथ में लेने की सीख दे रहे हैं। एक कार्यक्रम में हरियाणा के डीजीपी ही कानून की एक अलग ही व्याख्या करते हुए नजर आए। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह का एक विवादित बयान सुर्खियों में छा गया है। एक कार्यक्रम के दौरान डीजीपी केपी सिंह ने कहा, अगर कोई किसी के घर मकान दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले। डीजीपी का ये मानना है कि पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए मौजूद है, लेकिन आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। डीजीपी का यह बयान हरियाणा में हुई एक दुर्घटना के संदर्भ में था। लोगों की माने तो बीते बुधवार को हरियाणा में एक शादी समारोह के दौरान एक महिला के साथ बदतमीजी हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों के बीच झड़प हुई और गोलियां चली, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि डीजीपी डॉक्टर केपी सिंह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें हरियाणा में हाल ही में हुए जाट आंदोलन के बाद डीजीपी नियुक्त किया गया है। बहरहाल ये वाकई हैरत की बात है कि अगर पुलिस के आला अधिकारी ही कानून तोड़ने की बात कहेंगे तो कानून की रखवाली आखिर कौन करेगा। देखते रहिए जीबी लाइव।